मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए सियासी कुनबे में हलचलों का बढ़ना लाजमी है। तीसरे विकल्प की तलाश में तमाम राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में भी प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का वोट बैंक एमपी की तकरीबन 84 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ता है। ऐसे में आदिवासी संगठन जयस की भूमिका अहम मानी जा रही है। जयस ने प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए सियासी कुनबे में हलचलों का बढ़ना लाजमी है। तीसरे विकल्प की तलाश में तमाम राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में भी प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का वोट बैंक एमपी की तकरीबन 84 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ता है। ऐसे में आदिवासी संगठन जयस की भूमिका अहम मानी जा रही है। जयस ने प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए सियासी कुनबे में हलचलों का बढ़ना लाजमी है। तीसरे विकल्प की तलाश में तमाम राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में भी प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का वोट बैंक एमपी की तकरीबन 84 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ता है। ऐसे में आदिवासी संगठन जयस की भूमिका अहम मानी जा रही है। जयस ने प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।